हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बहुत सारे इंडियन कार के साथ स्पीड बम्प क्लाइंबिंग चैलेंज। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो अपने पास कितने सारे इंडियन कार है, और आज दोस्तों हम लोग इन सभी इंडियन कार को यहां से ऊपर की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो पूरे रास्ते में कितने बड़े बड़े और कितने सारे स्पीड बम्प्स लगे हुए हैं। इन सभी को क्लाइम करते हुए हमारे इंडियन कार को इस फिनिश पॉइंट तक आनी है। जो भी कार हमारी इस फिनिश पॉइंट तक आएगी, वह कार हमारी विनर बनने वाली है। आप दोस्तों यहां से देख सकते हो अपनी जो नीचे की कार है वो एक भी यहां से दिखाई नहीं दे रही है, तो आप समझ सकते हो ये कितनी ऊंचाई तक हमारे इंडियन कार को ऊपर तक चढ़ना है। तो चलिए हम लोग इन सभी इंडियन कार को एक एक करके लेके चलते हैं और देखते हैं कौन सी हमारी इंडियन कार इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी। तो सबसे पहली जो हमारी कार होने वाली है वो होने वाली अपनी देसी महिंद्रा बोलेरो। तो चलिए अपनी बोलेरो को लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई जो यार अपनी बोलेरो है, क्या ये अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी। तो यहाँ पर चलिए अपनी बोलेरो, और भाई जैसा कि आप देख सकते हो भाई क्या ही मस्त जंप मारी है ओ भाई। तो देखते हैं भाई अपनी जो यार बोलेरो है, क्या ये अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी। और काफ़ी एक खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई के बावजूद भी भाई यहाँ पर स्पीड बम्प्स कितने सारे आप देख पाओगे। अपनी जो बोलेरो है कैसे ये पलट चुकी थी, लेकिन भाई फिर भी ये अभी तक चल रही है। और देखते हैं भाई अपनी जो बोलेरो है, क्या ये अपने इस मिशन को कम्प्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। काफ़ी ज़्यादा भाई अपनी यार बोलेरो को दिक्कत हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन भाई फिर भी ये स्पीड बम्प्स को काफ़ी अच्छे तरीके से चढ़ रही है, और क्या मस्त ये छलांग मार रही है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो भाई अपनी जो बोलेरो है बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही दूर तक आ चुकी है। आप एक बार नीचे देखोगे कितना आगे तक आ चुकी है, आप यहां से देख सकते हो। और भाई मुझे लगता है अपनी जो यार बोलेरो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस मिशन को कंप्लीट कर लेगी। वैसे भाई इसको दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन भाई फिर भी ये काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रही है। और इसकी आप स्पीड देख सकते हो 30, 40 और 50 के बीच में ही रह रही है, लेकिन भाई बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जो यार बोलेरो है बहुत ही अच्छे तरीके से भाई ये मिशन को कंप्लीट कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और भाई बहुत ही करीब है अपनी इस मिशन को कंप्लीट करने से ओ भाई। और क्या ही मस्त छलांग मारी अभी आपने देखा। और भाई साहब फाइनली यार अपनी जो यार बोलेरो है वो भाई इस मिशन को बहुत ही अच्छे तरीके से भाई कंप्लीट कर चुकी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए उसको यहीं पर साइड लगाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट कार की तरफ, और लाते अपनी दूसरी कार को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी महिंद्रा XUV 700। तो चलिए अपनी महिंद्रा XUV 700 को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो यार XUV 700 है वो कैसी परफॉर्म कर पाएगी। तो यहाँ पर चलिए अपनी भाई XUV 700, और क्या ही मस्त यार जंप मारी ओ भाई। और जैसा कि आप देख सकते हो भाई अपनी जो XUV 700 है अभी तो स्टार्टिंग में क्या ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है ओ भाई साहब। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी यार बोलेरो भाई ऐसे ही परफॉर्म कर रही थी, और बोलेरो तो भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्म की है, और बहुत ही अच्छे तरीके से भाई अपने मिशंस को भी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अपनी जो यार XUV 700 है ओ भाई, और क्या ही यार जैसा कि आप देख सकते हो घूम रही है बहुत ही अच्छे तरीके से भाई अपने मिशंस को आगे की तरफ बढ़ रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्या ही बेहतरीन है भाई ये जंप मार रही है। और यहाँ पर देख सकते हो भाई कितना आगे तक अपनी जो यार XUV 700 है वो आ चुकी है, और भाई अभी तक इसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। भाई आज का यह जो मिशन है वो थोड़ा कठिन तो है सभी इंडियन कार के लिए, क्योंकि भाई साहब एक तो चढ़ना है ऊपर से भाई इतने बड़े बड़े स्पीड बम्प्स के सामने, लेकिन भाई फिर भी अपनी जो यार इंडियन कार है दम नहीं तोड़ रही है, और बहुत ही अच्छे तरीके से भाई अपनी मिशंस को बखूबी निभा रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी भी स्पीड भाई 30, 40 और 50 के बीच में ही रह रही है। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे लगता है कि अब बोलेरो से पहले ही भाई अपनी इस मिशन को कंप्लीट कर लेगी। बोलेरो थोड़ा ज़्यादा टाइम ली है, लेकिन भाई अपनी जो यार XUV 700 है भाई साहब क्या ही गजब यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्म की है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये भी यार अपनी मिशन को बहुत ही अच्छी तरीके से भाई कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए इसको यहीं लगाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी टाटा हैरियर। तो चलिए अपनी टाटा हैरियर को लेकर चलते हैं और देखते हैं ओ भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी जो टाटा हैरियर भाई काफ़ी अच्छा जंप मारी है, और भाई साहब यहाँ पर भी क्या ही गजब यह जंप मारी है। भाई मुझे लगता है कि अपनी जो बड़ी गाड़ी है उसको भाई थोड़ा जंप मारने में दिक्कत हो रही है, लेकिन भाई छोटी जितनी भी कार्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जंप मार रही है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी जो टाटा हैरियर है ओ भाई, और क्या ही गजब यह जंप मारी है भाई। एक बार में यार दो दो स्पीड बम्प्स जंप करने के चक्कर में थी, और भाई जैसा कि आप देख सकते हो भाई साहब क्या ही यार गजब यह जंप मार रही है। अगर इसमें थोड़ा और स्पीड हो जाती तो भाई ये एक बार में दो स्पीड बम्प्स को तो बहुत ही आसानी के साथ जंप कर लेगी, लेकिन भाई नहीं कर पा रही। चलो यार कोई नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से भाई अपने जो टाटा हैरियर है वो इस मिशन को कंप्लीट कर रही है बहुत गजब तरीके से। यहाँ पर आप देखोगे भाई साहब पीछे का नज़ारा, आप जो अपनी जो कार है भाई कितनी छोटी छोटी यहाँ से दिख रही है, और अपनी भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो टाटा हैरियर ओ भाई, और क्या ही गजब ये मतलब परफॉर्म कर रही है। अब आप दोस्तों बता सकते हो कि अपनी यार जो टाटा हैरियर वो कैसी परफॉर्म कर रही है, आप हमें कमेंट में दे सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो उन सभी कार से तो अभी तक अपनी जो टाटा हैरियर भाई परफॉर्म अच्छा कर रही है, लेकिन भाई वो स्पीड बम्प्स पे ही आकर के गिर रही है, तो इसकी थोड़ी सी स्पीड धीमी हो जा रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी जो टाटा हैरियर है वो भाई साहब
ये इस मिशन को फाइनली बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट कर पाई है। अपनी जो तीसरी कार हुई भाई विनर लिस्ट में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ और लाते हैं अपनी स्कॉर्पियो S11 को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11। तो देखते हैं भाई ये कैसी परफॉर्म कर पाएगी। वैसे भाई S11 के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ये काफ़ी आसानी के साथ अपने इस मिशन को कंप्लीट कर सकती है, ये मुझे लगता है। आप क्या, आपको क्या लगता है भाई, आप कमेंट में बता सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ भाई और क्या गजब यह जंप मारी भाई, देख सकते हो ओ भाई। और एक बार में भाई अपनी जो यार S11 है दो स्पीड बम्प्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रही जंप मार करके। और ऐसे ही अपनी हैरियर भी कर रही थी, लेकिन भाई अपनी हैरियर भाई सक्सेस नहीं हो रही थी एक बार में दो स्पीड बम्प्स को करने में। लेकिन भाई अपनी जो S11 है वो भाई एक बार में दो स्पीड बम्प्स को जंप कर जा रही, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से। और बहुत ही अच्छे तरीके से भाई अपनी जो यार मिशंस को कंप्लीट कर रही है S11। अब भाई इधर थोड़ी सी चढ़ाई आ चुकी है तो थोड़ा सा इसकी स्पीड में कमी तो आई है, लेकिन भाई अपनी परफॉर्मेंस में इसकी कोई भी कमी नहीं आई है। यहाँ पर देख सकते हो भाई, और क्या गजब यह जंप मार रही है भाई, क्या गजब जंप मार रही है। और जैसा कि आप देख सकते हो भाई, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी भाई यह अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई अपनी जो यार S11। भाई बोल दूँ आप, अपनी जो S11 भाई किसी से कम है ही नहीं यार, सबसे बेहतरीन कारों में से एक है अपनी S11, और बहुत ही अच्छी तरीके से भाई ये परफॉर्म कर पाई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी फोर्ड इंडीवर। तो चलिए अपनी फोर्ड इंडीवर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसकी कैसी परफॉर्मेंस होगी। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी जो यार फोर्ड इंडीवर है, क्या यार बेहतरीन जंप मार रही है भाई। लेकिन भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो एक बार में एक ही स्पीड बम्प्स को जंप कर रही है, और भाई कुछ छलांगे ज़्यादा ही मार रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी जो यार स्कॉर्पियो और अपनी हैरियर थी भाई साहब, गजब जंप मारी है भाई, एक बार में दो स्पीड बम्प्स कर जा रही थी। लेकिन भाई साहब अपनी जो टाटा हैरियर है वो भाई एक बार में दो तो नहीं कर पा रही है, लेकिन भाई ये काफ़ी अच्छा जंप मार रही है। और इसकी स्पीड आप देख सकते हो भाई 23 की भी हो चुकी थी इसकी स्पीड। और भाई इसकी टायर काफ़ी ज़्यादा स्केट कर रही है, आप इसके टायर से धुआं भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इसके टायर से धुआं आ रही है। लेकिन भाई साहब अपनी जो यार हैरियर है, अपनी जो यार फोर्ड इंडीवर है, वो भाई ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट कार है। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार में दो स्पीड बम्प्स को जंप कर ले रही है भाई साहब अपनी जो है अपनी जो यार फोर्ड इंडीवर है भाई साहब। मुझे बार बार अपनी टाटा हैरियर की याद आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ भाई क्या गजब यार, क्या गजब ये परफॉर्म कर रही है भाई। इतने कठिन रैम को भाई अपनी जो इंडियन कार है बहुत ही आसानी के साथ अभी तक सभी के सभी इंडियन कार परफॉर्म किए बहुत ही अच्छे तरीके से। और भाई अपनी यार फोर्ड इंडीवर भी इस मिशन को काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ और लाते हैं अपनी फॉर्चूनर को। तो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी फॉर्चूनर लेजेंडर। तो चलिए अपनी फॉर्चूनर लेजेंडर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो फॉर्चूनर लेजेंडर है वो भाई ये कैसी परफॉर्म कर पाएगी। आपको क्या लगता है भाई, अपनी जो फॉर्चूनर लेजेंडर है क्या ये अपने स्कॉर्पियो S11 के जैसी परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। भाई मैं अपनी राय बताऊं तो भाई अपनी जो S11 है वो सबसे अलग है अपनी यार लेजेंडर से, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्म करेगी अपनी। जैसा कि आप देख पाओगे अपनी जो लेजेंडर है भाई, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रही है, और ये उतना बड़ा जंप भी नहीं ले रही है जितना बड़ा आपने देखा था टाटा हैरियर और भाई अपनी S11 ले रही थी। लेकिन भाई फिर भी यार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई। यार जो अपनी यार लेजेंडर है वो इतने बड़ी क्लाइंबिंग के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार काफ़ी अच्छी है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, इसकी स्पीड धीमी हो जा रही है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से भाई फिर भी ये क्लाइंब कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक बार आप पीछे का नज़ारा देख सकते हो, अपनी जो कार भाई कितनी पिद्दी सी दिख रही है। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी जो यार फॉर्चूनर लेजेंडर है बहुत ही बेहतरीन ये परफॉर्म कर रही है भाई। आज का जो हमने रैंप बनाया है वो काफ़ी बड़ा बना दिया है रैंप, और भाई इसके लिए रैंप बड़ा बनाया कि देखेंगे कि भाई कौन कौन से हमारी इंडियन कार इस मिशन को सर्वाइव कर पाती है। तो भाई काफ़ी अच्छा जो यार अपनी देख पाओगे यार फॉर्चूनर लेजेंडर, ओ भाई और यहाँ पर देखो क्या बेहतरीन है जंप मारी है। और भाई अपनी फॉर्चूनर लेजेंडर भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से भाई इस मिशन को कंप्लीट कर पाई, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी तक अपनी जितनी भी कार है वो सभी के सभी अपने इस मिशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाई है, किसी को भी दिक्कत कोई नहीं हुई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी महिंद्रा थार। तो चलिए अपनी थार को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो थार है वो कैसी परफॉर्म कर पाएगी, ओ भाई। और जैसा कि आप देख पाओगे अपनी जो थार है भाई, इसकी बम्पर लड़ी है शुरुआत में ही, तो देखते हैं भाई साहब ये कैसी परफॉर्म कर पाएगी। और काफ़ी बेहतरीन इसकी भी जंप रह रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई। और भाई साहब यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये परफॉर्म कर रही है, तो देखते हैं भाई जो यार अपनी थार है वो कैसी परफॉर्म कर पाएगी और कहाँ तक ये जा पाएगी सही सलामत। तो यहाँ ओ भाई, और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ओ भाई अपनी जो थार है भाई साहब, और यहाँ पर क्या बेहतरीन जंप मार रही है भाई अपनी जो थार। यहाँ पर देख सकते हो एक बार में दो स्पीड बम्प्स काफ़ी आसानी के साथ जंप मार दी है भाई, यहाँ पर भी दो स्पीड बम्प्स को जंप मार दी, ओ भाई। और भाई अपनी जो थार है भाई किसी से कम थोड़ी है भाई, थार तो भाई A1 है भाई, A1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अपनी जो थार है एक बार में भाई दो स्पीड बम्प्स को बहुत ही अच्छे तरीके से भाई साहब जंप मार दे रही है। और यहाँ पर आप जरा एक बार पीछे का नज़ारा देखोगे तो आपको समझ में आएगी,
ओ भाई, और भाई 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 भाई, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन भाई साहब अपने जो थार भाई किसी से कम नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आसानी के साथ भाई अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। जैसा कि आप देख पाओगे इतने बड़े चैलेंजेस को भाई आसानी के साथ अपनी जो थार है वो कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए इसको यहीं पर लगाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी किया सेल्टोस। तो चलिए अपनी किया सेल्टोस को लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसकी कैसी परफॉर्मेंस होगी। और भाई अपनी जो किया सेल्टोस है भाई, इसका बम्पर लड़ा है नीचे ही जैसा कि आप देख पाओगे, और अपनी थार का भाई जो बम्पर था वो भी भाई वहाँ पर लड़ा है, लेकिन भाई फिर भी अपनी यार किया सेल्टोस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या ही बेहतरीन इसकी भाई जंप रह रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से भाई ये जंप कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ भाई, और यहाँ पर देख सकते हो जो अपनी यार किया सेल्टोस है बहुत ही अच्छी तरीके से भाई अपने मिशंस को कर रही है। लेकिन बता दूँ आपको भाई, अपनी जो किया सेल्टोस है थोड़ा सा इसको दिक्कत तो हो रहा है भाई, थोड़ा सा तो इसको दिक्कत हो रहा है उन सभी कार्स के मुकाबले भाई थोड़ा सा इसको दिक्कत हो रही है, लेकिन भाई फिर भी अपनी जो यार किया सेल्टोस है काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बेहतरीन यह जंप मार रही है, ओ भाई साहब। तो देखते हैं भाई ये कैसी ऊपर तक जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई अपनी जो किया सेल्टोस है थोड़ा सा दिक्कत, बहुत ही ज़्यादा इसको दिक्कत हो रही है भाई। और भाई साहब देखते हैं आगे कैसी ये जंप ले पाएगी, और यहाँ पर स्पीड बम्प्स के जगह ही जंप ले पाई है। यहाँ पर देख सकते हो अपनी जो किया सेल्टोस है फिर से वहीं जंप ली है, ओ भाई। और भाई मुझे लगता है अपनी जो सभी की सभी कार है भाई, सभी की सभी आज की इस मिशन को कम्प्लीट करने वाली है, भले किसी को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो थोड़ा किसी को कम दिक्कत हो, लेकिन आज का जो यह मिशन है भाई सभी की सभी अपनी कार भाई कम्प्लीट कर पाएगी इस मिशन को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से भाई अपनी यार किया सेल्टोस भी इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो चलिए अपनी फॉर्च्यूनर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो फॉर्च्यूनर है वो भाई साहब कैसी परफॉर्म कर पाएगी। अभी आपने देखा भाई अपनी जो किया सेल्टोस थी वो काफ़ी अच्छी परफॉर्म करी है और काफ़ी अच्छे तरीके से भाई अपने मिशन को भी कंप्लीट कर पाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अपनी जो, ओ भाई, और टोयोटा फॉर्च्यूनर भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं आपको बता दूं भाई अपनी जो यार फॉर्च्यूनर है वो भाई लेजेंडर से अच्छा परफॉर्म करती है हर एक मिशन में। भाई हमने देखा है कि अपनी जो यार टोयोटा फॉर्च्यूनर जो पुरानी वाली है वो भाई लेजेंडर से तो अच्छा परफॉर्म करती है। और जैसा कि अभी अभी आप देख सकते हो अपनी जो यार लेजेंडर थी वो इतना स्पीड नहीं चल रही थी और इतना बड़ा जंप नहीं ले रही थी, लेकिन भाई अपनी जो यार देख पाओगे फॉर्च्यूनर ये वाली जो है पुरानी वाली वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छा जंप भी ले रही है और काफ़ी अच्छा तेजी में भी स्पीड में भी चल रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये भाई करते हुए, ओ भाई। और यहाँ पर देख सकते हो भाई अपनी जो यार फॉर्च्यूनर की यार मतलब क्या बोलते हैं उसको, बोनट थी वो भाई सब उड़ गई है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन भाई कोई नहीं, बहुत ही अच्छा ये फिर भी परफॉर्म कर रही है। और भाई साहब फाइनली अपने टोयोटा जो फॉर्च्यूनर है वो अपने इस मिशंस की तरफ आगे बढ़ चुकी है, और भाई बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से ये अपने इस मिशंस को कंप्लीट कर पाई जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ और लाते अपनी दूसरी कार को। तो भाई अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी महिंद्रा XUV 500। तो चलिए अपनी 500 को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या भाई साहब ये 700 की तरह परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो जैसा कि आप देख पाओगे, ओ भाई, और अपनी जो 500 है भाई साहब क्या बेहतरीन जंप मार रही है भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से। और भाई जैसा कि आप देख पाओगे अभी ये ठुकी है वहाँ पर एक स्पीड बम्प्स में, लेकिन भाई इसकी जंप क्या ही बोले यार, क्या ही मस्त इसकी जंप पड़ रही है। और भाई यहाँ पर देख सकते हो फाइनली यार बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जो यार XUV 500 है वो यार परफॉर्म कर रही है। मैं आपको बता दूं यार इसमें भी सेम वैसी फॉर्च्यूनर वाली बात है भाई, 700 से अच्छा परफॉर्म भाई 500 करती है हर एक मिशन में। हमने जितने भी मिशंस किए हैं उसमें अधिकतर मिशन में भाई अपनी जो यार 500 है वो 700 से अच्छा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ भाई, और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब अपनी जो यार 500 है क्या बेहतरीन जंप मार रही है भाई साहब। और दोस्तों आप हमें अभी कमेंट में बताइएगा कि अभी तक जो आपने इतने कार्स देखे हैं जो क्लेम करते हुए उसमें से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगी है। मुझे लगा है भाई अपनी जो S11 है वो सबसे अच्छी परफॉर्म की है, आपको कौन सी लगी आप भी कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब अपनी जो यार ये 500 है भाई साहब क्या बेहतरीन परफॉर्म किया भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से भाई अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ और लाते अपने रूबिकन जीप को। सो भाई साहब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी रूबिकन जीप। तो चलिए अपनी जीप को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो जीप है इस कठिन मिशंस को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैं भाई कठिन इसलिए बोल रहा हूँ कि अपनी जो जीप है भाई साहब वो क्लाइंबिंग के लिए तो नहीं बनी है, ना क्लाइंबिंग के लिए बनी है ना जंपिंग के लिए बनी है, ये सिर्फ बनी है भाई ऑफ रोडिंग के लिए। आप इसको ऑफ रोडिंग में भाई कहीं भी ले जाओ ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाती है। लेकिन भाई यहाँ पर आप देख सकते हो भाई जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला कि भाई इसके लिए कठिन है यह मिशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी अपनी जो रूबिकन जीप है भाई साहब इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन भाई देखते हैं ये कैसी परफॉर्म कर पाएगी। आपको क्या लगता है कि अपनी जो रूबिकन जीप है क्या ये अपने इस मिशंस को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इसको बुरा लग रहा है भाई साहब, बुरा इसकी स्थिति हो चुकी है।
लेकिन भाई कर तो लेगी, अपने इस मिशंस को कर तो लेगी, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कितना समय लगाती है। और भाई इसकी जो टायर्स है उसके टायर से काफ़ी ज़्यादा धुआं आ रही है। ओ भाई साहब, यार जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ये पलट रही है। हमने आपको पहले ही बोला कि यार अपनी जो रूबिकन जीप है भाई साहब इस जंपिंग के लिए तो नहीं बनी हुई है, और भाई साहब काफ़ी अच्छा फिर भी ये कर रही है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और भाई कैसे ये खड़ी हो जा रही है डायरेक्ट, ओ भाई, और मुझे ज़रा इसको आराम आराम से लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये पलट भी सकती है, तो ज़रा इसको ध्यान से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब, आप देखो नीचे से कितने ऊपर तक आई है, ओहो। और भाई इसके जो पीछे का गेट है वो कैसे ओपन हो जा रहा है, और भाई बहुत ही अच्छी तरीके से ये अपनी परफॉर्म कर रही है। ओ भाई, और यहाँ पर देख सकते हो भाई अपनी जो यार रूबिकन जीप है उसके कुछ पार्ट नीचे गिरे हैं भाई टूट करके, लेकिन भाई चलो यार बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद ये भी अब अपने मिशंस के करीब ही है। बस यहाँ पर दो और स्पीड बम्प्स बचे हुए हैं, तो पहली स्पीड बम्प्स को यहाँ पर ये देख सकते हो क्लियर कर चुकी है। अब देखते हैं भाई ये दूसरी स्पीड बम्प्स को कैसे क्लियर करती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से भाई अपनी जो रूबिकॉन जीप है वो इस मिशंस को कंप्लीट कर पाई, लेकिन भाई इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। हमने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि भाई अपनी जो रूबिकॉन जीप है वो क्लाइंबिंग के लिए और जंपिंग के लिए तो कतई नहीं बनी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी सुजुकी ग्रैंड विटारा। तो चलिए अपनी सुजुकी ग्रैंड विटारा को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये कैसी परफॉर्म कर पाएगी। तो यहाँ पर चलिए अपनी सुजुकी ग्रैंड विटारा, और भाई देख पाओगे क्या ही बेहतरीन इसकी जंप उड़ा रही है, ओहो। और भाई साहब बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो सुजुकी ग्रैंड विटारा है वो परफॉर्म कर रही है। ओ भाई साहब, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही गजब भाई साहब, बहुत ही गजब। और भाई क्या मस्त ये जंप ले रही है भाई, बहुत ही आसानी के साथ। और भाई यहाँ पर आप इसकी स्पीड देख सकते हो 30, 40 और 50 के बीच में भाई इसकी स्पीड चल रही है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से भाई अपनी जो यार सुजुकी ग्रैंड विटारा है वो क्लाइंब कर रही है भाई इस मिशंस को, और बहुत ही अच्छे तरीके से भाई अपनी जो स्पीड बम्प्स है उसको भी क्लाइंब कर रही है। ओ भाई साहब, आज के भाई यह जो मिशन थी थोड़ा सा कठिन तो था सभी इंडियंस कार के लिए, लेकिन भाई अभी तक अपनी जितनी भी कार से इस मिशन को परफॉर्म की है सभी के सभी पास हुई है भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ भाई, और अपनी यार सुजुकी ग्रैंड विटारा ये भी भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और मुझे लगता है भाई ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस मिशंस को कंप्लीट कर पाएगी। और फाइनली भाई अपनी जो सुजुकी ग्रैंड विटारा है वो भी भाई इस मिशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से भाई कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, इस लिस्ट की जो हमारी आखिरी कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी हुंडई की वेन्यू। तो चलिए अपनी वेन्यू को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो वेन्यू है ये कैसी परफॉर्म कर पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी भाई जो वेन्यू है काफ़ी बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस रह रही है। ओ भाई, और इतनी छोटी कार है लेकिन भाई जंप क्या बोले यार, क्या बेहतरीन यह जंप मार रही है। ओ भाई, और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो हुंडई की वेन्यू में परफॉर्म कर रही है। ओ भाई साहब, और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी जो यार हुंडई की वेन्यू में क्या ही यार पलटी है, लेकिन भाई बहुत ही अच्छी तरीके से भाई पलट करके फिर से सही हो गई है। और मुझे लगता है भाई ये काफ़ी बेहतरीन ये परफॉर्म करने वाली है, इसमें जो भाई अपनी छोटी कार है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी अपनी। ओ भाई, अपनी जो हुंडई की वेन्यू है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओ भाई साहब, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, और भाई इसकी जंपिंग का तो क्या ही बोलना, बहुत ही बेहतरीन इसकी जंप डाल रही है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और भाई साहब अब ये बहुत ही करीब है अपने इस मिशंस को, देखते हैं भाई ये कैसे अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी जो यार हुंडई की वेन्यू है वो भी यार काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर पाई है अपने इस मिशंस के लिए। ओ भाई, और यहाँ पर कैसे टकराई है भाई साहब, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और भाई जैसा कि आप देख पाओगे अपनी जो यार हुंडई की वेन्यू है फाइनली इस मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। तो भाई आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप भी चाहते हो कोई अपनी मनपसंद की कार को देखना तो आप हमें उस कार का नाम कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो में हम उस कार को लाने की जरूर से कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।